क्या नाम रखे हैं आप इसका? मैक्स। मंगू। मैक्सू नाम रखो। मैक्सू बच्चा। मैक्सू। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया, बहुत मज़े में होंगे। और मैं फिर से आ गई हूँ अपने किचन में। मैं ज़्यादातर आपको मिलूँगी अपने किचन में। तो फ्रेंड्स जो है उसको अभी मैंने दूध वूध दे दिया है और कई तरह के नामों से हम अभी उसे पुकार रहे हैं। अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि कौन सा नाम रखा जाए। और ठंड लग रही है यार। और मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जो जिनको मैं बिना बोले वो मेरी प्रॉब्लम समझ गए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यस, मुझे जो है खून की कमी अभी हाल ही में हुई थी फ्रेंड, इसीलिए मुझे जो है ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है, वरना मुझे इतनी नहीं लगती थी। और अभी जब बस जस्ट जा रही हूँ सब्ज़ी बनाने, आलू टमाटर और मटर की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, तो उसके लिए ना मैं क्या करती हूँ, मुझे लगा गैस ऑन है, मैं क्या करती हूँ कि आलू को मैं बॉईल कर लेती हूँ और मटर को छील लेती हूँ। इसके बाद आपको बताती हूँ कि फिर कैसे कैसे करके मैं बनाती हूँ सब्ज़ी, और बहुत टेस्टी यमी बनती है। और मुझे ना आलू टमाटर मटर ऐसी सब्ज़ियाँ पसंद है, और ख़ास तौर से चावल के साथ मज़ा आ जाता है चावल के साथ। तो चलो फटाफट बनाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना नई आलू आने लगी है, तो अब की बार ये नई आलू लेके आए हैं, तो उसको मैं अच्छे से वॉश कर रही हूँ, पानी से वॉश कर दूँगी। इसके बाद इसको मैं बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। और ये देखो अच्छे से बॉईल हो चुका है। और मैंने ज़्यादा आलू नहीं लिया है, सिर्फ 4 आलू लिया है। वैसे भी ज़्यादा लोग तो है नहीं मेरे घर में कि बहुत ज़्यादा बनाऊँ, तो इसलिए 4 आलू लिया है और चढ़ा दिया है बस इसको गैस पर। और इसके बाद फ्रेंड्स मैंने अपनी सब्ज़ियाँ भी निकाल ली हैं बनाने के लिए, और बस प्याज लहसुन और मटर और मिर्च वहीं पे रखी है किचन में, तो इन सबको मैं अच्छे से पहले छील लेती हूँ। बेड पे बैठ के इसलिए छील रही हूँ, नीचे जो है आपको पता ही है कौन है, तो वो परेशान करेगा, तो इसलिए। और ये छिल चुका है, बस ले आई हूँ, इसको भी वॉश कर देती हूँ और भिगो के रख दूँगी पानी से थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स उधर जो है मेरा आलू पक रहा है, तब तक मैंने सोचा कि चलो अब मैं जो बर्तन सिंक में रखे हैं उनको भी धो के एक तरफ से निकाल दूं। और ये डायरेक्ट वाला पानी चल रहा है, तो डायरेक्ट का नल आ रहा है, तो मैंने कहा कि इसी से निकाल देती हूँ, टंकी का खाली करने का क्या मतलब है, तो इसीलिए मैं फटाफट धो रही हूँ। और ये पानी थोड़ा गर्म आता है ना, तो धोने में भी बड़ा मज़ा आता है गर्म पानी से। तो चलो फटाफट अपने बर्तनों को मैं वॉश कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स आज का वीडियो बहुत ही अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग ज़रूर देखना। मैं बहुत ही यूज़फुल वीडियो ये बना रही हूँ, हर लेडीज़ को इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। आज मैं अपना बजट आपको पेश करूँगी कि मैं किस तरह से अपना बजट मेंटेन करती हूँ, इतने कम सैलरी में भी किस तरह से सब कुछ मेंटेन कर लेती हूँ, तो वो आप लोग ज़रूर देखना और मुझे बताना। तो बर्तन मेरे लगभग धुल ही चुके हैं, और इसके बाद चलो बनाते हैं, क्योंकि आलू पक चुका है। तो यहाँ पर मैंने तेल गरम कर लिया है, और इसके बाद इसमें डाल दिया है ज़ीरा, और आलू को मैंने उधर छील के छोटे छोटे क्यूब्स में काट भी दिया है फ्रेंड्स। तो ज़ीरा तड़कने लगा है, अब इसमें मैं डाल देती हूँ प्याज लहसुन अदरक और मिर्च, और क्योंकि ठंडियों का सीज़न चल रहा है तो अदरक डालो तो अच्छा रहता है, थोड़ा सा गर्माहट टाइप का रहता है ना, और थोड़ा सा ठंडी में फ़ायदा भी करता है। तो ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है, कितना अच्छा। अब इसमें मसालों में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा किचन किंग का मसाला, मैंने इसमें ऐड कर दिया है, हल्दी ऐड कर दिया है, और डालूँगी थोड़ा सा धनिया पाउडर, बस इतने ही मसाले मैं इसमें ऐड करूँगी। और इसके बाद थोड़ा सा वाटर डाल दूँगी, और इसके बाद इसको हल्का सा मिला दूँगी और मसालों को अच्छे से मैं पका लूँगी जब तक ये ऑयल ना छोड़ दें। और फ्रेंड्स तभी मैं यहाँ पे
नमक भी डाल दूंगी और टमाटर भी डाल दूंगी ताकि ये भी पक जाए। और नमक मैंने इसलिए डाल दिया अभी कि प्याज वगैरह टमाटर वगैरह अच्छे से गल जाए। तो ये देखिए ये अच्छे से गल चुके हैं, पक चुके हैं और मसाले ने ऑयल भी छोड़ दिया है। इसके बाद इसमें ऐड कर दूंगी मटर और आलू भी ऐड कर दूंगी। और जब मैं इसको इस तरह से मिक्स करती हूँ ना मसालों के साथ, तभी मेरा इतना मन हो रहा था कि लाओ ऐसी खा लेते, बढ़िया सी अदरक वाली चाय बनाते हैं और इस तरह से खाते हैं। एक तरह से आप इस तरह भी इसको भी नाश्ते में यूज़ कर सकते हो खाने के लिए, ये भी बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लगता है। और चाहो तो पराठे के साथ भी इसी तरह से खा सकते हो, बट मुझे रसा लगाना है इसमें क्योंकि मैं चावल भी बनाई हूँ। तो इसमें थोड़ा सा मैं ग्रेवी बना देती हूँ ताकि चावल खा सकें हम लोग थोड़ा सा। तो ज़्यादा पतला नहीं बना रही हूँ, गाढ़ा ही बना रही हूँ ताकि खाने में थोड़ा मज़ा आए। तो बस ये हो गया, अब ढक के थोड़ा इसको उबाल लेते हैं। बस रेडी है हमारा आलू मटर की सब्ज़ी। तो फ्रेंड्स रात की मटर पनीर सब्ज़ी बची हुई थी तो वो भी मैंने ले ली है, थोड़ी सी गर्म करके चावल बनाई है, आलू मटर की सब्ज़ी और रोटी, बस यही है हमारा आज का खाना। तो आइए आप लोग भी लंच पे मेरे साथ आइए। तो फ्रेंड्स मेरे एक सब्सक्राइबर हैं को जी और मयूर जी का आज वेडिंग एनिवर्सरी है, तो आप लोग सब लोग उनकी मैरिज एनिवर्सरी पे खूब सारी बधाइयाँ दीजिए। और मेरी तरफ से भी को जी एंड मयूर जी आप दोनों को मैरिज एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाइयाँ हों। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग माय चैनल एंड वॉचिंग माय वीडियो। तो चलिए आगे का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। देखो फ्रेंड्स वो क्या कर रहे हैं, दीवार खोद रहे। ए जैकी इधर चलो, इधर चलो, हटो वहां से, हट। तो जैकी से अभी तो फिलहाल बुला रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कल कहा था कि मैं बजट पे वीडियो बनाऊंगी, तो मैंने सोचा चलो बना लेते हैं, वरना कहो और बनाओ ना तो बहुत ख़राब लगता है। मैं सोफे पे बैठी हुई हूँ, उस तरह से पैर रखे, ठंडी लग रही है मुझे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, जैसे कि आपको पता है मंथली इनकम कितनी है, तो मेरे पास कोई भी बहुत ज़्यादा बड़ी कॉपी नहीं है, यही छोटी वाली डायरी है, तो इसी पे लिख रही हूँ। मंथली इनकम इनकी जो है 6000 है, ठीक है, ये बहुत कम है फ्रेंड्स। और इतने में ही मैं घर अपना मैनेज करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं मैनेज करती हूँ किसी तरह से, किस तरह मैनेज करती हूँ वो मैं ही जानती हूँ, और थोड़ा बहुत इधर उधर से हेल्प हो जाती है छोटी मोटी, तो मैनेज हो जाता है। और रुको एक सेकेंड, तो यहाँ पे ये मैंने मंथली इनकम लिख ली। अब इसके बाद जो बारी आती है फ्रेंड्स वो होती है मेरे घर के राशन की। तो मेरे घर का राशन वगैरह जो है, पहले मैं लाइन से लिख लेती हूँ जो जो चीज़ें मेरे घर में जो भी चीज़ें होती है पूरे महीने भर। तो सबसे पहले तो राशन का लिख लेती हूँ, इसके बाद लिख लेती हूँ यहाँ पर मैं सब्जी और इसके बाद मैं लिख लेती हूँ बिजली। और सारा मैं लिख के फिर आपको बताती हूँ। अपना सब कुछ लिख दिया है, शायद आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड। तो ये देखिए मैंने लिख लिया है राशन, सब्जी, बिजली, गैस इनका, पेट्रोल, मकान का टैक्स, टीवी, मोबाइल और सेविंग। तो इन सब का मैं डिटेलिंग में आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स राशन की बात कर लेते हैं, तो राशन में अराउंड मेरा 1600 के करीब जो है मेरा राशन जो है वो आ जाता है इतने में। और ये रुक जाओ, ये परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स, मुझे काम नहीं करने दे रहा। इसके बाद सब्ज़ी है, तो सब्ज़ी जो है एक बार में तो नहीं ली जा सकती है, तो दो तीन बार का मैं बता रही हूँ आपको, 400 तक मान लो आप चला ही जाता है दो तीन बार का, तो इस हिसाब से इसका हो गया। और बिजली का हमारा जो है गर्मी में थोड़ा ज़्यादा आता है और ठंड में कम आता है, क्योंकि गर्मी में कूलर वगैरह भी चलती है, तो गर्मी में जो है इसका बिल आ जाता है 1200 तक आ जाता है, और ठंड में जो है इसका बिल 600 तक आता है, क्योंकि पंखा कूलर फ्रिज सब ज़्यादातर बंद ही रखती हूँ मैं, फ्रिज भी ज़्यादातर बंद ही रखती हूँ, जब ज़रूरत होती है तो ही चलाती हूँ। और गैस जो है मेरा महीने में मतलब कि महीने में नहीं सॉरी मेरा दो महीने में आता है, दो महीना मेरा गैस चल जाता है, तो इसका भी आप मान के रखो, क्योंकि अभी गैस तो थोड़ा सस्ता चल रहा है, तो 700 मान के चलो इसका। और इनका पेट्रोल में जो है सब फ्रेंड समझ लो
पूरे महीने का काफ़ी चला जाता है इनके पेट्रोल का, एक दिन का पर डे मैं आपको बता रही हूँ, पर डे फिफ्टी है। तो 30 डेज़ का कितना होगा मैं ऐड करके बताती हूँ, गुणा करके। तो फ्रेंड्स महीने का इनका हो जाता है 1500 रुपये, ये हो गया। इसके बाद आती है मकान की टैक्स, जो साल भर में एक बार भरा जाता है, तो इसके लिए भी हम 200 तो अलग से निकालते ही रहते हैं हर महीने। और इसके बाद फ्रेंड्स क्योंकि मकान का टैक्स जो है मुझे अकेले में नहीं भरना है, और भी जो मम्मी लोग हैं उन लोग को भी देना रहता है। इसके बाद फ्रेंड्स आता है ये ऊपरी थोड़ा बहुत जो खर्चा होता है, ये टीवी का, और टीवी का जो है बिल मेरा 100 रुपये महीने में दो बार लग जाता है, तो 200 मान के चलो। हम लोग पैकेज नहीं लेते हैं, 100-100 रुपये ही डलवाते हैं, वरना पैकेज बहुत महंगा आता है, 300-400 तक का आता है। और मोबाइल का बिल पहले तो चलो एक ही फ़ोन का था, तो 149 होता था इनका फ़ोन का, लेकिन अब दो हो गया है, तो मेरा जो है 48 में ही हो जाता है, एयरटेल का सेम है क्योंकि, और इनका जो है 49, तो आप मान के चलो 200 ही मान के चलो। और इसके बाद सेविंग में फ्रेंड्स, इसमें भी हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकाल सकें, जितना भी बचता है उसमें से हम लोग कम से कम 500 से कम की थोड़ी बहुत बचत कर ही लेते हैं, ज़्यादा नहीं कम की बचत कर लेते हैं, या फिर 500 तक की ही बचत हम लोग कर लेते हैं। तो इस तरह से मेरा मेंटेन होता है बजट। अब चलिए इन सबको काउंट करके देख लेते हैं कि महीने के कितना खर्चा होता है और कितना नहीं होता है। तो ये देखिए राशन का मैं लिख लेती हूँ 16,000, सब्जी का 4,000, बिजली का बिल, अभी ठंड चल रही है तो ठंड का ही लिखेंगे 600, और सब चीज़ का मैं लिख लेती हूँ। मतलब 100 रुपये कम इधर उधर, वो भी इधर उधर खर्च ही हो जाता होगा, तो पूरी सैलरी इस तरह से मेरी खर्च हो जाती है। मतलब इनकी हम लोग जो है इस तरह से अपना बजट मेंटेन करने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। और परिस्थिति कैसी भी हो हमें ना मैनेज करने आना चाहिए, अगर एक सही गृहस्थी एक औरत अगर चलाना चाहे ना तो वो थोड़े में भी चला सकती है, और ज़्यादा में तो चलेगा ही, लेकिन थोड़े में भी वो एडजस्ट कर सकती है। बस ये है कि औरत को आना चाहिए घर चलाना, क्योंकि आदमियों का काम है सिर्फ पैसा कमा के ला के औरत को देना, बाकी सारा काम जो है औरत को खुद में ही करना है कि कैसे क्या मैनेज करना है, तो वो उसे ही सोचना है। तो इस तरह से मैं अपना बजट मेंटेन करती हूँ। आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और थोड़ी देर तक इसलिए मैं रख रही हूँ कि आप देख लो, और यहीं से मैं ब्लॉग का एंड कर दूँगी। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग और ये वीडियो, ये मेरा बजट मेंटेनेंस वाला जो तरीका है, पसंद आया होगा। पसंद आया तो थोड़ा सा लाइक दे देना, और साथ ही साथ ना अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और मुझे बताना कहीं अगर मैं कुछ गलती करती हूँ तो मुझे वो भी बताना। मैं पूरी तरह से अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ घर में, बट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो गलती सबसे हो जाती है। तो चलो ठीक है, करती हूँ ब्लॉग का एंड, वरना बहुत लंबा बन जाएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना, नेक्स्ट वीडियो भी बहुत अच्छी आएगी। अब तो हमारे एक नन्हे मेहमान और आ गए हैं, तो अच्छी अच्छी वीडियो मिलेगी आपको। चलो ठीक है, बाय बाय, टाटा।